70 साल कांग्रेस ने राज किया है, इतना ज्यादा समय किसी सरकार ने कभी कहीं किसी पार्टी को समय दिया गया था? 70 साल में जो एक ईंट नहीं रखा पाए वो सपने देख रहे मंदिर बनवाने का। अभी चाय वाला है, जिस दिन गाय वाले आएगा, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। सनातन का अपमान कहाँ हो रहा है जी? अखिलेश कर रहा है, अखिलेश कर रहा है। तो दिक्कत किसको हो रही है? दिक्कत कांग्रेस को ही तो हो रही है। और किसी ने कहा ये बात? बीजेपी की बात तो मंदिर बनने में तो गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया ना, वो तो जितने भी हिंदू हैं उन्होंने मिल के बनाया। उस बहुत काम हुआ है यहाँ पर, कभी नहीं अरे इतना हुआ। जय श्री राम। अयोध्या में 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, और प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ में जो पूरे देश को जिस बात का इंतजार था कि वो टेंट से उठ करके अपने भवन में आ जाएं, उसका इंतजार अब पूरा होने वाला है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ, एक तरफ जो राजनीति की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि पूरे मामले को हाईजैक कर लिया है बीजेपी ने, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला राम मंदिर के पक्ष में दिया, लेकिन उसके बाद भी नेताओं ने इसको कैप्चर कर लिया अपने हिसाब से। आप अयोध्या के ही रहने वाले हैं, फैजाबाद से आते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कोर्ट का फैसला था उसको हाईजैक कर लिया है बीजेपी ने पूरी तरह से? आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब जो कोर्ट का फैसला था उसी हिसाब से बन रहा है। और रही बीजेपी की बात तो मंदिर बनने में तो गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया ना, वो तो जितने भी हिंदू हैं उन्होंने मिल के बनाया, उसमें तो गवर्नमेंट में कोई भी रोल नहीं है मंदिर बनाने में। और रही प्राण प्रतिष्ठा, तो उसके लिए तो बुलाया गया है मोदी जी को स्पेशल गेस्ट, एज अ गेस्ट मोदी जी आ रहे हैं जी। आपको क्या लग रहा है कि 2024 के हिसाब से जो है ये पूरी तैयारी हो रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर का जो उद्घाटन कर रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? जी, मंदिर अधूरा तो नहीं, मतलब जहाँ प्राण प्रतिष्ठा है वो तो बन चुका है, गर्भगृह तो राम जी का कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ पे हो रहा है मंदिर का दर्शन, तो पहले भी हो रहा था राम जी का, तो अधूरा मंदिर तो नहीं लग रहा है। अच्छा, आपके अधूरा के एक बात का जवाब देता हूँ। अधूरा तो स्वयं राम जी ने शिव जी की स्थापना करी थी लंका पे चढ़ाई के लिए, वहाँ तो कोई मंदिर ही नहीं था, तो फिर स्थापना कैसे हो गई? तो लिंग था करी विधि पर्वत पूजा, शिव समान प्रिय नहीं मोहु दूजा, तो वहाँ ना तो मंदिर था। शिवलिंग तो जो है, शिवलिंग तो कहीं स्थापित हो जाता है, लेकिन शिवलिंग की तुलना यहाँ से नहीं, क्योंकि मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा जो होती तो है ना, उसमें भी तो प्राण प्रतिष्ठा तो मंदिर नहीं बन रहा था ना, मंदिर तो वहाँ बना ही नहीं था। मंदिर लिंग में प्राण प्रतिष्ठा स्वयं लंकापति रावण पंडित बन के आया था, और बेकायदे उन्होंने उसका धर्म निभाया। लेकिन आप समझिए कि वहाँ पर मंदिर राम जी ने नहीं बनाया था ना, उन्होंने तो केवल शिवलिंग की जो स्थापना की थी, स्थापना की थी तो प्राण प्रतिष्ठा भी की हुई ना। हुई, लेकिन लेकिन यहाँ तो मंदिर तो बनता रहेगा, बन गया, बनता रहेगा, वो चुनाव से कोई लेना देना नहीं। ये तो 2019 में जब फैसला आया था तभी बोल दिया गया था 2024 के स्टार्टिंग में राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, चाहे मंदिर कंप्लीट हो चाहे इनकम्प्लीट हो, वो तो अब बनता रहेगा। मंदिर मंदिर का मूर्ति का आपने कर ही दिया शिलान्यास, मान लीजिए प्राण प्रतिष्ठा हो गया, उसके बाद मंदिर तो अब बनता रहेगा, दो चार चार साल जब तक बनता रहे, फिनिशिंग तो कभी खत्म नहीं होने की, कभी ना कभी तो बनता रहेगा। एक चीज और ये कहा जा रहा है कि जो पुरानी जो मूर्तियां थी जो अभी टेंट में है, वो तो हैं, तो उनको नहीं स्थापित कर रहे हैं, उसकी जगह में नई मूर्ति लगा रहे हैं। उसको भी कर रहे हैं ना, उसको भी करेंगे धीरे धीरे सब, अभी धीरे ना अभी करेंगे, वो जैसे वो चल समारोह के लिए रहेगी मूर्ति, वही रहेगी गर्भगृह में, बाकी कोई भी उत्सव पे, जैसे मान लो अपन श्री कृष्ण जन्म, वो चल उसमें रहेंगी, चल चल समारोह में वही मूर्ति वापिस चलती रहेगी, ये स्थाई एक जगह रहेंगे। अच्छा, नहीं इसमें क्या हो रहा है? कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मोदी जी ने चुनाव के लिए ये पूरा किया है, तो कांग्रेस वालों ने अगर करने चाहते तो कांग्रेस वाले पहले ही करते थे, 70-75 साल से क्यों नहीं किया? अच्छा, कांग्रेस ये कह रही है कि शंकराचार्य नाराज हैं, शंकराचार्यों का उन्होंने मुद्दा उठाया कि अधूरे में जो इन्होंने कर दी शुरू कर दिया, उसके बाद शंकराचार्यों का अपोजिशन का कभी भी खत्म नहीं होगा, ये चीज उनका हमेशा चलता रहेगा, कहने का पड़ता ही रहेगा और कहते रहेंगे। अब अगर सही मायने से सोचा जाए, शंकराचार्य तो शंकराचार्य जो नाराज हो रहे हैं वो भी कांग्रेस के टूलकिट है, जो टूलकिट है, हाँ, तो इसमें कोई दुमत की बात नहीं, कांग्रेस के बेकायदे टूलकिट है। अरे शंकराचार्य हमारे, हाँ, जगत गुरु शंकराचार्य कांग्रेस के टूलकिट है। हमारे सनातन धर्म में ये है, आपने रविशंकर जी का स्टेटमेंट सुना होगा, तो उन्होंने ये कहा है
कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी मंदिर का निर्माण हो सकता है। और आप खुद ये सोचिए कि इतना बड़ा निर्माण होना है तो फेज वाइज ही तो होगा, आप ये क्यों ये कह रहे हैं? पूरा हो जाने के बाद नहीं, तो इसमें दिक्कत क्या है? किसको दिक्कत, किसको हो रही है दिक्कत? कांग्रेस को ही तो हो रही है। और किसी ने कहा ये बात? भाई विरोधी तो विरोध करेंगे ही ना, कांग्रेस वाले तो आ भी नहीं रहे, फिर वो उनको सौभाग्य ही नहीं है जिसको, और किस मुंह से आएंगे ये बताइए, जिसको निमंत्रण मिला है वो भाग्य से आएगा, जिसको नहीं मिला वो सौभाग्य से आएगा। ये हरी की इच्छा है, -2 डिग्री है इसीलिए वो नहीं आ रहे, उनको ठंडी लग गई है, उनको विधवा ठंडी लग गई है इसीलिए वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। अच्छा जी, बाकी निमंत्रण मिला नहीं है, आए हैं, बाकी हमें भी नहीं मिला है, तो जिसको आना होगा वो आएगा। घर आने में निमंत्रण की क्या जरूरत है? सबके हैं, लेकिन वो उनके कोई नहीं हो पा रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो उनके नहीं हो पा रहे, वो हाथ टी शर्ट पहन के घूम रहे थे इसलिए उनको ठंडी लग गई है। जितने राम भक्त वो सब यहाँ आए हैं, वो राम भक्त नहीं है, उन्होंने यहाँ उनको ठंडी लग गई है। कांग्रेस से जिसने सवाल उठाया था कि राम सेतु नहीं है, नहीं लेकिन एक चीज, लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि ताला जो है कांग्रेस सरकार में खुला, कांग्रेस ने कहा था कि हम मंदिर भी बनाएंगे अपने घोषणा पत्र में कहा, इसके अलावा उन्होंने बकायदा एक बार तो यहाँ से चुनाव प्रचार का भी यहीं से शुरुआत की थी। 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, इतना ज्यादा समय किसी सरकार ने कभी कहीं किसी पार्टी को समय दिया गया था? 70 साल में जो एक ईंट नहीं रखा पाए, वो सपने देख रहे मंदिर बनवाने का, उनको लग गया ठंडी हो जाए। बाल अंसारी जी का एक स्टेटमेंट सुना होगा, मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश से बना है ना, क्या इस पे कोर्ट ने रोक लगाई थी क्या? आप इसका विकास मत करिए क्या? एयरपोर्ट पे कोर्ट ने रोक लगाई थी क्या? आप इसका एयरपोर्ट मत बनाइए, कोर्ट ने रोक लगाई थी इस पे, आप बताइए। ये जो विकास कार्य का, इस पे भी कोर्ट ने रोक लगा रखी थी, सपा भी थी, बसपा भी थी, अंग्रेज में थी, गठबंधन में भी था, प्रधानमंत्री है वो, प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं? प्रश्न का उत्तर ये है, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वादे जिसने किए थे क्या किए थे हमको नहीं मालूम, हम वर्तमान में आज जान रहे हैं 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगी, वो यजमान है, वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और वो नियम का भी पालन कर रहे हैं। तो बस लोग एक बात सोशल मीडिया में ये भी कह रहे हैं कि आंदोलन जो था वो पूरा किया अडवाणी जी ने, अडवाणी जी को पहले बुलाया नहीं गया, फिर अब वो आ रहे हैं, तो उनके हाथों से होना चाहिए। और देश का जो सबसे बड़ा मतलब सबसे जो मुख्य व्यक्ति माना जाता है वो माना जाता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के हाथ से करा दीजिए। तो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए 2024 के चुनाव से ठीक पहले ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, देखिए हम चाह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करें प्राण प्रतिष्ठा, ये हम जनता, मैंने मतदान दिया है, मेरा ये भी मत है और इनका भी लगभग मत सभी का है। और रही बात राष्ट्रपति जी की, उनको निमंत्रण गया है, वो व्यक्तिगत उनका होगा कि वो क्यों नहीं आ रहे, या आदि शंकराचार्य जी उनका ये व्यक्तिगत मत है कि वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिसको आना होगा वो यहाँ पर आएगा। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, अगर प्रधानमंत्री जी इस चीज का श्रेय ले रहे हैं या इनडायरेक्टली उनको मिल रहा है वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, श्रेय मिलने दिए। चाय वाला प्रधानमंत्री है तो ये दशा है, पूरा पाकिस्तान वगैरह सब कांप रहे हैं, जिस दिन गाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा तो पतलून ढीली हो जाएगी, ये जान लीजिए आप। अभी आप गाय वाला कौन है, गाय वाला कौन? योगी जी है, योगी जी है, गाय गाय हमारी राष्ट्रीय माता होगी, आप देखते जाइए हो चुकी है, समथिंग 1% का कमी है वो भी योगी जी पूरा कर देंगे। लेकिन मोदी जी के बाद तो अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी नहीं है, केवल योगी जी, योगी जी आएंगे, वो गृह मंत्रालय ही उनके लिए, भगवा लहराएगा, भगवा लहराएगा, भगवा लहरा रहा है पूरा हिंदुस्तान, भगवे में विलुप्त हो चुका है, 24 में हो या 26 में हो योगी जी ही आएंगे। तो ये बताइए, ये बताइए, ये जो मंदिर बना है यहाँ पे, जो लोग आ रहे हैं वो किसके द्वारा आ रहे हैं? ट्रेन से आ रहे हैं, प्लेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, रिक्शा से आ रहे हैं ना, ये भी इकोनॉमी का एक हिस्सा है, यहाँ आएंगे खाएंगे होटल लेंगे, लोगों को ये भी तो रोजगार मिला है। लोग बता रहे हैं कि बहुत सारी दुकानें तोड़ दी, बड़े बहुत मकान तोड़ दिए। एक बात बताएं, जो विकास होता है उसकी उत्पत्ति विनाश से होती है, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? विनाश कहां पड़ा है? सुनिए, जितना भी टूटा है, दुकानें टूटी हैं, उन लोगों को मुआवजा दिया गया है, आवंटन पत्र मिला है, उन्हें दुकान दिया जाएगा। आप देखें गुप्तार घाट में, आप बताओ, कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि 2024 में बिना मंदिर पूरा हुए ही पहले ही
लाभ लेने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और ये पूरा जो जितना है इसको स्वांग बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वांग रचा जा रहा है ताकि लाभ मिल सके। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये लाभ जो है ये बड़े पुण्य कार्यों से मिलता है और ये कि इसमें कोई राजनीति पार्टी जो है ये अपना कोई रोटी न पकाए, ये धर्म का काम है, पूरे भारतवर्ष का नहीं पूरे विश्व का एक आस्था है राम के प्रति और इसी में भव्य आयोजन होने जा रहा। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें राजनीतिक दल जो भी हैं मैं उनसे बार बार निवेदन करता हूँ कि ये सब छोड़ दें और सबके मतलब पुण्यकार हैं जिसके कारण भगवान हमको तो कोई निमंत्रण कार्ड आया नहीं फिर भी हम राम आस्था है दिल में इसलिए हम एमपी से मैं आया हूँ। कहाँ से आए? मध्य प्रदेश सतना से आया हूँ। सतना से राम जी के दर्शन करने और उनकी कृपा से आज मैं यहाँ पर हूँ। अपने भाग्यशाली हूँ मैं कि आज मैं यहाँ रह पा रहा हूँ। अच्छा आप एक चीज बताइए, अब आपकी बात पर एक सवाल है कि सतना और चित्रकूट के बीच में ही जो पूरा वो है उतना वो डेवलप नहीं हुआ है, अयोध्या बहुत डेवलप हो गई। लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ क्योंकि 11 साल भगवान राम ने वनवास वहीं काटा है चित्रकूट और सतना के आसपास की। देखिए जब से मोदी जी आए हैं तब से आस्था और धर्म के प्रति लोगों का जो जागरूकपन और आज भी युवाओं में उत्साह जो हो रहा है उसका सबसे प्रेरणादायक मोदी जी हैं और मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूं। अभी तो अयोध्या है, अभी आगे चल के मथुरा भी बनेगा और चित्रकूट भी डेवलप, हर एक चीज चाहे काशी हो चाहे चित्रकूट हो चाहे प्रयागराज हो, आज आप देखिए हर स्टेशन प्रयागराज जो है पहले कभी नहीं था, 75 वर्षों से कांग्रेस थी ना उतना विकास हुआ ना कुछ हुआ, आज देखिए वो प्रयागराज 75 साल तो अभी देश के हुए हैं, अभी तो 10-15 साल तो बीजेपी के भी हो गए। अच्छा आप कहाँ से आए हो? मैं बिहार का हूँ, बिहारी हूँ, करोड़ों पे भारी हूँ। अच्छा? यहाँ भी मैंने सरकार बनाया था वेद प्रकाश का। हाँ। मैं यहाँ था, मोदी जी को 10 सालों से जिता रहा है। अच्छा। ममता बनर्जी को भी हराया होगा, गुजरात में भी था मैं श्री राम को पुरुषोत्तम राम किसने बनाया था? अब मीडिया वाले से मैं पूछना चाहता हूँ। मीडिया वालों ने तो नहीं बनाया था। पुरुषोत्तम राम बनाने वाला वो बिहारी विश्वामित्र था जो ज्ञान विज्ञान सिखाया, जो धनुष विद्या सिखाया कि अब पृथ्वी को फुटबॉल की तरह उछालने की क्षमता राम में थी। पुरुषोत्तम तो अपने चरित्र की वजह से बने थे। पुरुषोत्तम मर्यादा का मतलब ये है कि हर क्षेत्र में उन्होंने ऐसा कार्य किया है जो कि एक आम आदमी के लिए सीख है, चाहे वो मर्यादा से रहित वनवास जाने की बात हो, चाहे आज्ञा पालन की बात हो, चाहे वो राज शासन करने की बात हो, चाहे वो त्याग करने की बात हो, हर एक चीज जो राम जी से सीख मिलती है वही मर्यादा कहलाती है, इसीलिए उन्हें मर्यादा पर पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। और ये सब राजनीति जो है ये सब छोड़ दें, अभी भी अभी वक्त है जिस भगवान जिनके सबके दिल में अगर राम है तो वो सब राजनीतिक दल छोड़ के और भगवान पर आस्था रखें और वही राम। अच्छा अच्छा आप ये बताओ कि क्या वाकई में जो राजनीति हो रही है इस पूरे मामले में या कुछ और कारण है? ये सिर्फ राजनीति एक राजनीति है, लेकिन हमारा सोच ये है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को राजनीति छोड़ के राममय हो जाए इस समय। राममय होने से काम हो जाएगा? हाँ राममय होने से काम हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला, लोग भूखे बहुत मर रहे हैं, बहुत सारे लोग भीख मांग रहे हैं। आज राम आ रहे हैं ना, आज लोग राजनीति कर रहे हैं कि करोड़ों लोग कौन लोग मर रहे हैं। पहले लोग 100 रुपया मजदूरी लेते थे, आज वही 300 ले रहे हैं, तो वो कहाँ रोज कहाँ भूखे मर रहे हैं आप बताइए। आज कौन भूखा मर रहा? आमदनी भी तो बड़ी है। महंगाई के आज राजनीति कर रहे हैं। 400 मजूरी हो गई, मिस्त्री आप बताओ, मिस्त्री 200 लेता था, 1000 ले रहा, गरीबी कहाँ है? लेकिन आज हम गरीबी भूल रहे हैं। एक रोटी खाएंगे, प्रभु को लाएंगे। जय श्री राम। अभी तो सिर्फ चाय वाला गद्दी पे है, जिस दिन गाय वाला हो आ जाए। ये सेम डायलॉग 3-4 लोग सुना चुके हैं, कहां मिल रहा है ये वाला? ये बट रहा है, आप भी लीजिए, आप भी यही बोलिए, आप भी बोलिए। अभी अभी चाय वाला है, जिस दिन गाय वाले आएगा, मत अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जय श्री राम।
तो ये अपमान करेगा, कैसे सहेगा हिंदुस्तान, ये भी तो बताइए। सनातन का अपमान कहाँ हो रहा है जी? अखिलेश कर रहा है, अखिलेश कर रहा है। अखिलेश तो कह रहे हैं कि हम परिवार के साथ आएंगे, पूरे बोलता है कि बोल करके नहीं आ रहे हैं। नहीं, कह रहा है कि पूरे परिवार के साथ आएंगे, 22 तारीख को नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद दर्शन करने आएंगे। आपका शादी हो जाएगा, बाद में आपको आएंगे, कोई भलू रहेगा। अच्छा, ये लोग ये जो कह रहे हैं कि निमंत्रण पहले और शादी की बात जो कह रहे हैं, आप इसे वैरी करते हैं या आपका भी ये विचार है? जो ये लोग कह रहे हैं कि पहले चाय वाला है, फिर उसके बाद गाय वाला है, अभी गाय वाला आना बाकी है? नहीं, ये फिलहाल इन सभी चीजों से हट के बात करना चाहिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे रामचंद्र का, ये 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था का मामला है। इस वजह से इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा जहाँ तक कांग्रेस ये कह रहे हैं कि 2024 पहले मंदिर पूरा हो जाने देते, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करते, उससे पहले आपने क्यों कर दिया? ऐसा कोई नियम नहीं है। शंकराचार्य कह रहे हैं भाई, शंकराचार्य तो हमारे सनातन के सबसे बड़े माने जाते हैं, उनको कहिए राष्ट्रपति माने जाते हैं सनातन के, और सबसे बड़े जानकार माने जाते हैं शंकराचार्य, इसीलिए तीन ही चार हैं। जब कार सेवकों पर गोली चली थी, हमारे पूर्वजों पे गोलियां चली हुई थी, यही राम की पैड़ी है, इतनी गंदगी रहती थी, ठीक है, यही कार सेवकपुरम यहाँ पे लोगों को गोलियां मारी गई थी, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था। उस समय शंकराचार्य जी ने कोई एक शब्द नहीं बोला था, चारों शंकराचार्य मिला के। और लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है अयोध्या में। मैं कह रहा हूँ यही राम की पैड़ी थी, यही रावण मेला चलता था, यही रामनवमी का मेला चलता था, इतनी गंदगी रहती थी। बाबू जी, हम लोग यहाँ पले हैं, यहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ पढ़े हैं, लेकिन इतनी गंदगी रहती थी कि आप यहाँ जो खड़े होके आप माइक लेके आज खड़े हुए हैं ना, वहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो रहा था। अच्छा, हाँ, ऐसी स्थिति है। आज अध्यक्ष चमक रही है, आज काम हुआ है, इस बार काम हुआ है, काम बिल्कुल हुआ है, काम बिल्कुल जी हाँ, बहुत काम हुआ है यहाँ पर, कभी नहीं अरे इतना हुआ। किसने कराया? लल्लू सिंह ने कराया या जो मोदी जी ने कराया, योगी जी ने कराया, और कौन कराया? लल्लू सिंह कहाँ के अरे वो आए भाई, मोदी जी ने कराया, वो तो करेंगे ही, लेकिन योगी जी के अध्यक्ष से तो करते हैं, वो योगी कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं। अच्छा, और क्या काम हुआ है? अयोध्या हमारी चमक गई है, इसके लिए योगी जी को, माननीय मोदी जी, और ये भी बता दे रहा हूँ, जो आप लोग जो लोग कह रहे हैं कि सनातन को ये लोग आगे ले जा रहे हैं, तो वाकई में ये लोग सनातन को आगे ले जा रहे हैं। और सभी लोग कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर मस्जिद बनवा देना चाहिए था, वहाँ मंदिर, ये अस्पताल बनवाना चाहिए, धर्मशाला बनवा देना चाहिए था, 5 एकड़ जमीन उनको मिली हुई है, वही भी नहीं हुआ, अभी तक केवल बोर्ड लगा है वहाँ पर। और योगी जी और मोदी जी तो पूरा ये करा, 5-4 साल में पूरा करा दिए। नहीं, लेकिन एक बात तो ये भी है कि सब लोगों ने चंदा भी दिया है, तभी तो ये सरकार ने कोई ये सरकार नहीं बना रही है, सबके चंदा से बन रहा है, चंदा से बन रहा है ना, ये तो कह रहे हैं मोदी जी योगी जी बनवा रहे हैं, चंदा दे रहा है अपना, जो मंदिर का निर्माण कार्य है वो सनातन के पैसों से चल रहा है, सभी सनातनियों के पैसों से हुआ है, लेकिन जो विकास कार्य हो रहा है ये लोकसभा और राज्यसभा की देन है। अच्छा, एक चीज जो सजाई गई है अयोध्या, इसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है, लेकिन जो मंदिर निर्माण कार्य है उसमें 100 करोड़ सनातनियों का पैसा लगा हुआ है। तो अयोध्या में आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से मना किया कि हम नहीं आएंगे और हम बाद में हम आएंगे, लेकिन फिलहाल 22 तारीख को नहीं आएंगे, उसको लेकर के लोगों में थोड़ा सा रोष नजर आ रहा है, लेकिन सभी लोग अलग अलग तरह से अपनी राय भी रख रहे हैं और अपनी सलाह भी दे रहे हैं। फिलहाल अयोध्या से कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।